हमारे साथ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनका मिशन है कि महाराष्ट्र को किस तरीके से बहुत जल्द एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। $1 ट्रिलियन इतने पैसे होते हैं जितने कि कई सारी देशों की अर्थव्यवस्था का साइज होता है। कब तक आपको लगता है कि महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने? देखिए, हम अभी $400 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑलरेडी है महाराष्ट्र, और अगर आप हमारा ग्रोथ रेट देखें तो वो 10% और उससे ज्यादा है, और अगले 7-8 साल अगर 10% से हम लोग विकास करते रहे, जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा, तो हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अगले 8 सालों में हम बिल्कुल बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तमाम बिजनेस लीडर्स से, बिजनेस लीडर्स को भी बोलने का मौका लगा, क्या फीडबैक मिला इंडिया स्टोरी को लेके? आपकी जो खुद की मुलाकात हो रही है महाराष्ट्र की स्टोरी को लेके, क्या फीडबैक? देखिए, पहली बात तो यह है कि ग्लोबल सीईओस का फीडबैक बहुत ही एनकरेजिंग था, और देश में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो बहुत ही बुलिश थे उसके ऊपर, बहुत ही खुश थे उसके ऊपर। खासकर सभी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत मतलब लोगों ने संतोष जताया, और साथ ही में जीएसटी डीमोनेटाइजेशन जैसे जो बोल्ड स्टेप्स है, तो सीईओस का कहना था कि इससे प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। और मोदी जी ने भी जो बातें सीईओस के साथ की है या सारे फोरम को बताई है, मैं समझता हूं अपने आप में एक नया विचार उन्होंने दिया है। मोदी जी ने कहा कि देखिए, बिजनेसेस तो फ्लरिश होते ही है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो करोड़ों गरीब और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर इनके पास पैसा आएगा तो इतनी डिमांड बढ़ेगी कि जो डिमांड देश और दुनिया दोनों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी करेगी। आप एक तरीके से सबका साथ सबके विकास की बात करें, लेकिन हाल ही में इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो इनइक्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई, उसमें निकल के आया कि हिंदुस्तान में अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीबों की हालत पहले से बेहतर नहीं हो रही। देखिए, इसका कारण है कि हम लोग जब एक बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए एक समय देना पड़ता है। 3 या 4 साल में कोई भी इक्वालिटी खत्म नहीं होती। हमने दुनिया में देखा है, इट टेक्स जनरेशंस, पर यहां तो आप देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन किस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार का समावेशन हमने कभी देखा नहीं। 30 करोड़ लोग जिन्होंने बैंक देखी ही नहीं थी, वो बैंक के नेटवर्क में आ रहे हैं, और आज उन 30 करोड़ खातों में 77,000 करोड़ रुपया है, लोग स्पेंड कर रहे हैं, लोग जमा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही हम लोग ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको खत्म कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद यही बात मोदी जी ने दुनिया को बताई है कि अगर ये जो गरीब आदमी है या जो मिडिल क्लास है, ये अगर एम्पावर होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सर, एक तरफ आप यहाँ दावोस में हैं, लाल कालीन बिछा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आए, मेक इन महाराष्ट्र करें, दूसरी तरफ आपके एलआई शिवसेना ने बयान दिया है, कहा है कि अगला चुनाव वो अलग लड़ेंगे, ये अजब एक सिरदर्दी उन्होंने खड़ा कर दिया। नहीं देखिए, हमको इस बात की आदत है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, 5 साल हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, और बयान तो आते रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट। बताइए, कैसा एलआई है कि गलत मौके पे एकदम गलत बयान दे देता है जिससे आपको परेशानी हो जाती है? चलिए, मैं तो परेशान होना मेरा कब से बंद हो गया, मुझे तो आदत हो गई इन सारी चीजों की। अब तो मेरा प्रयास ये है कि यहाँ डावोस में, चूंकि 18 फरवरी को हम लोग मैग्नेटिक महाराष्ट्र हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं ये तो प्रयास मेरा ये होगा कि यहाँ चूंकि सारे ग्लोबल सीईओज यहाँ है, मैं उनको भारत ले जाऊं, मैं महाराष्ट्र में उनको बुलाऊं और महाराष्ट्र में उनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट हो। तो ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, इससे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के फोकस पे थोड़ा असर पड़ता है? देखिए, थोड़ा असर तो पड़ता है, लेकिन ज्यादा असर पड़ता है ऐसा मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मूल रूप से ये होता है कि जिस समय कोई सीरियस थ्रेट होता है तो उससे निश्चित रूप से थोड़ा सा असर पड़ता है, पर मैं ये मानता नहीं हूं। देखिए, इस प्रकार की बयानबाजियां तो पिछले 3-4 सालों में हमने कई बार देखी है। मैं ऐसा मानता हूं अभी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, शिवसेना और हम साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, बिजनेस की बात तो हमने की, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएं कि बर्फीले दावोस में आप घूम रहे, फिसल रहे हैं कि चल पा रहे ठीक से? देखिए, बड़े हिम्मत के साथ चल रहा हूं, और ये तो अभी यहां आकर मैं सीख गया कि ये जो सफेद बर्फ होता है उसके ऊपर चलने से, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बर्फ होता है इस पे आप चलो तो फिसलोगे नहीं, लेकिन ये जो काली बर्फ आपको दिखती है इसके ऊपर फिसलने के पूरे चांसेस है, और भगवान की दया से अभी तक फिसला नहीं हूँ। कल मैंने मैडम को देखा, मिसेस फडणवीस, वो बड़ी हील्स पहन के बर्फ पे चल रही थी, थोड़ी टिप्स आपको उनसे लेनी चाहिए। देखिए, मैं तो जैसे मैंने डावोस में एंटर किया, मैं स्नो बूट्स तो साथ में लाया था, लेकिन नॉर्मल बूट्स पहनकर आया था,
तो पहला कदम जो बाहर रखा वही फिसला, लेकिन मैं गिरने से बच गया और फिर अब मैं स्नो बूट्स पहन के और बिल्कुल एक एक कदम जिसको हम हिंदी में कहते हैं फुक फुक के रखना है, ऐसे फुक फुक के रख रहा हूँ। चलिए आप अपने कदमों पे खड़े और महाराष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो देखिए पीछे है मेड फॉर बिजनेस मैग्नेटिक महाराष्ट्र लाउंज। तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम ने एक मेक इन इंडिया के ब्रांड के तहत मेड फॉर बिजनेस मैग्नेटिक महाराष्ट्र, तो जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात होता था ठीक उसी तरीके से मोदी जी के नक्शे पे चल रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र तो मैग्नेट है ही, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां जो आता है वो तो वहां का हो जाता है।